सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मेरी बात करने वाले हैं अनिकल ऑफ द पिकॉक्स जो कि लिखी गई है बाय इंतज़ार हुसैन जो कि बॉर्न हुई है मेरी दुबई में इन द मिरुड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश इनका जो अर्ली ईयर से स्पेंड हुए हैं पीस मतलब शांति से एंड आज की हम स्टोरी जो है मेरी देखने वाली एक शॉर्ट स्टोरी होने वाली है जो कि मेरी पिकॉक से रिलेटेड है पिकॉक का अपने वर्ड्स देखते ही समझ गए होंगे कि पिकॉक से रिलेटेड होने वाली है एंड इसमें जो है पिकॉक्स का कंपैरिजन किया गया है विद तो डिफरेंट एनिमल्स एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि कई बार हमारे को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम दूसरी चीज़ को भूल क्यों जाते हैं अगर हमारा करियर अच्छा चल रहा है तो हम दू... जो बुरा करियर है उसको क्यों भूल जाते हैं अगर हमारा अच्छा समय चल रहा है तो हम बुरे समय को क्यों भूल जाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है इस शॉर्ट स्टोरी में तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जो है इन्होंने बताया है यहाँ पर इंतज़ार हुसैन जो है उन्होंने अपने अर्ली ईयर जो स्पेंड किए शांति से उन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को माइग्रेट किया था उन्होंने इंडिया से इन नाइनटीन मतलब कि वो पहले इंडिया में रहती थी बट 1947 में ड्यूरिंग द माइग्रेशन उन्होंने पाकिस्तान में माइग्रेट कर लिया था इंतज़ार हुसैन जो है वो हाईली कॉन्शियस थी ऑफ द सोशल एंड पोलिटिकल रियालिटीज़ एज वेल एज जो मोस्ट प्रोमिनेंट शेड है ऑफ इस फिक्शन इज़ अनोस्टैलजिया फॉर हिज नेटिव लैंड एंड अ लॉन्ग लॉस्ट कल्चर वो अभी भी अपने उस कल्चर को याद करती है हुसैन हैज़ अ ब्रिलियंट प्रोस स्टाइल मतलब कि उनके एक ब्रिलियंट स्टाइल है उनकी राइटिंग्स वगैरह में देर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनको बहुत अब जस्ट है ना आप कहीं भी कभी आप कही भी आप किसी भी जगह को छोड़ के जाते हो आप तो आपके उसके बाद बहुत सारी मेमोरीज होती है बहुत सारी चीज़ें होती है पीछे देखने को बट यस yes, आपको पता होता है आपको आगे जाना था पीछे वाली चीज़ें छोड़ के जाते हो तो यही जो है मेरे लिए बताया गया कि आप आगे जा रहे हो तो पीछे वाली चीज़ को छोड़ के क्यों जा रहे हो पीछे वाली चीज़ को साथ रख क्यों नहीं सकते हो दिस प्लूरलिस्टिक मतलब कि उन्होंने बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान में उस समय डिवीज़न हुआ था इन नाइनटीन में आगे अगर हम बात करें जो इंतज़ार हुसैन है वो एक फ़िलासफी है मतलब कि फ़िलासफी में इज़ डैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट और फ्यूचर विदाउट हैविंग अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट अगर हमें ना पता हमारे साथ पहले क्या हुआ था हम आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रेजेंट में क्या चल रहा है अगर हमारे यही नहीं पता कि हमने क्लास ट्वेल्थ में क्या पढ़ा है तो हम कॉलेज में क्या पढ़ पाएंगे क्लास ट्वेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि क्लास ट्वेल्थ की सारी पढ़ाई आपकी कॉलेज से रिलेटेड होती है बट अगर आपको ए बी सी डी तक नहीं पता तो आप कॉलेज में कैसे पढ़ पाओगे तो ये है ओवरऑल रिलेटेड and for example in a short story of Chronicle of Peacocks he finds the answer of puzzle of atomic arms race between India and Pakistan अब वो ये बोलते हैं कि हर चीज़ का एक तोड़ होना ज़रूरी नहीं है अब जैसे कि लोगों के पास न्यूक्लियर वार्स मतलब कि न्यूक्लियर वेपन है हर हर एक कंट्री के पास अपने एक न्यूक्लियर वेपन है तो उन्होंने वही बताया कि न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत है क्या और अगर न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत है तो जब महाभारत में जब मतलब कि आपको पता होगा मेनली महाभारत के एंड किसकी वजह से हुआ था जो कि हुआ था कि आप ओवरऑल देखोगे ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी नहीं जैसे ना आपको जब दिमाग नहीं होता आपका कुछ दिमाग नहीं चल रहा होता तो आप सबके ऊपर अटैक कर देते हो अब जैसे कि पावर जो थी कुछ लोगों के पास थी महाभारत में बट जब उनकी डेथ होने वाली थी उन्होंने किसी और को पावर दे दी एंड जब किसी और को पावर दिया भाई जिसको पावर दे रहे हो उसमें दिमाग होना चाहिए अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उसको पता होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को कैसे संभाल कर रखना है तो यही उसमें बताया गया जो महाभारत है, शो है बद, ये शो करती है मेरे को बहुत ज़्यादा हार्मनी ब्रदरहुड सेकुलरिज्म बट एट द सेम टाइम ये मेरे को ये भी सिखाती है कि लड़ाई ज़रूरी है कि क्या सच में लड़ाई ज़रूरी है महाभारत में मेरे को दिखाया गया कि लड़ाई हुई है एंड एट द एंड महाभारत में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आपको लड़ाई का सब कुछ अच्छा मिलेगा अब जैसे यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है या चल रही थी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एंड रिजल्ट कुछ अच्छा होने वाला है रशिया के पास ऐसी जगह अगर मिल गई है ये मिल जाएगी आखिर में कि जो कि उसको कोई यूज नहीं है उसने पूरी खराब कर दी उस जगह को बंजर कर दिया एंड यूक्रेन क्या था यूक्रेन ने तो अपनी और ज्यादा खराब जगह करा ली अब ऐसे इंडिया पाकिस्तान है इंडिया के पास कोरिया के पास सब सबके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स है बट उस न्यूक्लियर वेपन्स का आखिर फायदा क्या है जब वो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे एट दी एंड अगर आपको मरना ही है तो उस न्यूक्लियर वेपन का फायदा क्या हुआ तो वैसे ही उन्होंने दिखा रखा है कि पिकॉक वगैरह के बारे में कि पहले जो है पिकॉक को जो है अच्छा वो माना जाता था जानवर पर आपने देखा होगा कि बीच में एक मूवी आई थी एडम्स वगैरह की मूवी नहीं मतलब एक शॉर्ट स्टोरी है वो भी तो एडम्स एंड ईव की जिन्होंने एक सेब खा लिया था एक एप्पल खा लिया था वो भी एक पिकॉक की वजह से तो जिसके वजह से जो था पिकॉक की गलती थी तो इसलिए भगवान जी ने जो था मतलब कि जो भी मेन हेड थे पिकॉक को उन्होंने मतलब कि अपने मेन वहाँ से निकाल दिया था तभी जो है पिकॉक को कभी भी स्वर्ग में भी जगह नहीं मिली है हमेशा कहा जाता है एक मोर को कभी भी स्वर्ग में जगह नहीं मिली है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको जिंदगी में आपको स्वर्ग में जाना है मतलब आप कितना भी अच्छा काम कर लो जब पिकॉक इतना सुंदर हो के वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाया तो आप कैसे जा सकते हो अ मिक्सचर ऑफ फैंटेसी एंड रियलिज्म ओपन द स्टोरी यही इसमें मतलब मैं मैंने बताया गया है स्टोरी में जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है ना अपना कभी भी कोई चीज़ नई शुरू करनी है ना तो ये नहीं है आपको पुरानी चीज़ें भूलने की ज़रूरत है जैसे कि हुसैंस की टेक्निक है कि उनको जो है मेनली वो हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है कि अगर अब आपको पता है एक है हंसराज एक है पिकॉक आई थिंक हंसराज है नाम क्या नाम है आई थिंक हंसराज यस तो अब जैसे कि ना कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उन्हें और बड़ा दर्जा दे दिया जाता है अब एक शेर में और एक चीते में क्या डिफरेंस है पर फिर भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है चीता को जंगल का राजा क्यों नहीं कहा जाता या फिर अगर मच्छरों में देखा जाए चूहों में देखा जाए फॉक्स जो जैसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग की होती है तो उसी का भी राजा क्यों नहीं बनाया गया तो आप जो है किसी भी चीज़ को सोच समझ के क्यों नहीं किया जाता अब महाभारत में भी हर चीज़ सोच समझ के नहीं हुई थी और सोच समझ के होती तो लड़ाई कभी होती ही नहीं युद्ध तो कभी होगा ही नहीं अगर आप सोच समझ के काम करोगे तो देयर आर नो शिमरिंग वाटर्स ऑफ द मान सरोवर नाउ इंस्टिट द लेक्स आर ड्राई द रिवर्स पॉल्यूटेड एंड द एयर थिक द डस्ट एंड स्मोक ऑफ बॉम्ब्स आपको ना एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कभी भी ना वॉर्स होती हैं तो आखिर में रिजल्ट क्या देती है वो आपको कोई इंसान नहीं देती वो आपको कोई गिफ्ट नहीं देती है वो आपको कोई खुशखबरी नहीं देती वो आपको कोई अच्छाई नहीं देती वो आपको क्या देती है वो आपको लोगों की मृत्यु देती है लोगों की डेथ होती है उससे लोगों, को नुकसान, है, लोगों को नुकसान होता है लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होता है लोगों की ज़िंदगी खराब होती है कभी भी वॉर होती है ना तो सिर्फ एक इंसान को दिक्कत नहीं होती है देश को दिक्कत नहीं होती है उसके नागरिकों को उसके लोगों को दिक्कत होती है एक पूरी जैसे कहते हैं ना एक पूरी एंटायर लाइफ चली गई अब जैसे यूक्रेन में वॉर हुई तो यूक्रेन में इस समय की जितनी पीढ़ी थी सारी यूक्रेन खाली करके आ गई अब वापिस अगर यूक्रेन खड़ा हो गया स्टैंड हो गया वापस वो पीढ़ी वहाँ पर चली तो जाएगी पर जितने सालों में मतलब जो दस या बीस साल उसको लग जाएंगे ठीक होने में इतने सालों में और वो यूक्रेन कितना आगे बढ़ सकता था जो कि उसने अपने आपको बर्बाद करके फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करा मतलब कि शुरुआत से।, तो शुरुआत से तो शुरुआत से आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है था? जब आप उसी लाइन से उसी सीरीज से आगे बढ़ सकते हो टाइम्स आर बोथ इमेज ऑफ वट वी हैव डन तो एक समय जो है ना वो एक हमारे को शक्ल दिखाता है एक आईना दिखाता है हमारे को अगर इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे आगे पता है कि मेरा फ्यूचर मेरा करियर कुछ अच्छा होने वाला है अगर इस समय मैं गेम खेल रही हूँ मैं ऐसा टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं अपना कोई टी सीरियल देख रही हूँ जो कि बिल्कुल भी बेनिफिट का नहीं है तो वो आगे मुझे क्या देगा वो आगे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं देगा बट अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे को भी आगे नॉलेज मिल रही है आप पढ़ रहे हो तो आपको भी नॉलेज मिल रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आप पढ़ रहे हो एंड मोस्ट ऑफ़ द बच्चे भी आप देखोगे ना वो तभी पढ़ते हैं जब उनके पेपर आते हैं जब उनका एग्जाम्स आएंगे जब उनका कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी पढ़ते हैं वरना कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा कि नहीं भाई आज तो पेपर नहीं है आज तो कुछ आज चलो छोड़ो आज कुछ खेलते वेलते कुछ नहीं है आज तो पढ़ेंगे आज तो भाई मौज करने के कोई फायदा नहीं है आज तो पढ़ेंगे कोई इतना खुश होकर नहीं पढ़ता सब क्यों पढ़ते हैं पेपर आने वाले एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसी की वजह से जो है मोस्ट ऑफ द लोग जो पढ़ते हैं इंतज़ार हुसैन जो है वो अपना व्यू दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रेजेंट में और वो ये बताते हैं जो भी आप प्रेजेंट में करोगे वही आपको फ्यूचर में दिखेगा वही आपका फ्यूचर होगा तो इसलिए प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें करो जो आपको फ्यूचर में देखनी है फेलियर ऑफ रीज़न कंटिन्यूस टू प्लंज द वर्ल्ड इन टू टर्मोइल एंड एट द सेम टाइम जैसे जिसकी स्टोरी हम कंप्लीट भी करते हैं वो लास्ट में ये बताते हैं ओ माई क्रिएटर ओ माई प्रोटेक्टर मतलब कि उन्होंने मेरे लिए बताया है, हे भगवान मतलब कि हमारे को बनाने वाला कौन है हमारा क्रिएटर कौन है या फिर हमारे को कौन बचाने वाला है तो वो है भगवान वेन विल दिस एवल स्पिरिट कम्प्लीट हिस्स ऑफ थ्री थाउजेंड ईयर्स वेन विल आई बी एबल टू राइट माई ऑन क्रॉनिकल्स ऑन द पिकॉक ऑफ द पिकॉक तो मेरे लिए उन्होंने ये बताया कि वो भगवान से यही पूछ रहे हैं कि कब मैं ऐसा बोल पाऊँगा कि हाँ किसी की गलती नहीं है या फिर देश जो है ना वो एक सही दिशा में चल रहा है आप वो समय बर्बाद नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल एक सही दिशा में चल रहे हो आप कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हो दिस इज़ ऑल अबाउट द माई क्रॉनिकल ऑफ़ द पिकॉक्स जो कि स्टोरी का नाम है मेरी तो आपको जो है आखिर में इस स्टोरी में क्या सीखने को मिला है क्या बताया गया है द अल्टीमेट विजन ऑफ द डिवाइन पिकॉक डिट स्प्रेड इट्स टेल ओवर द एंटायर यूनिवर्स इज अगेन द सिम्बॉलिक इमेज एंड कैन हिंट एट अ सिचुएशन वन पीस वुड प्रिवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड और फिर जो इमेजिन कर रहे हैं हिमसेल्फ अपने आप को वॉकिंग इन द कूल शेड ऑफ द स्पीस बट द नेक्स्ट इंस्टेंट वो तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक डे टू डिस्कवर डेट ही इज स्टिल बीग द बावेज स्पिरिट ऑफ अश्वत्थामा अश्वथामा थी वो थे जिन्होंने ब्रह्मशास्त्र का ब्रह्म ब्रह्मशास्त्र जो एक क्या नाम था उसका ब्रह्मास्त्र हाँ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके जो है महाभारत की लड़ाई को दी एंड पे लाने की कोशिश करी थी फिर दूसरी तरफ से आई थिंक अर्जुन जो थे उन्होंने किया था कि उसका मतलब कि रोकने के लिए अब जैसे कहते हैं ना आपने एक न्यूक्लियर वेपन डाल दिया जैसे कि हम अगर लड़ाई हो रही है कभी इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन फेंक दिया पाकिस्तान पे एंड उसी का अगेंस्ट जो है पाकिस्तान ने फेंक दिया इंडिया पे तो क्या फ़ायदा हुआ उसका दोनों कंट्रियाँ बर्बादी हुई एट दी एंड तो वही जो है उन्होंने बताया है कि एट दी एंड अगर यही लड़ाइयाँ हो रही हैं यही सब कुछ हो रहा है तो क्या फ़ायदा है मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ लोगों को इतनी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या उन सबका फ़ायदा है तो एट द एंड यही है कि अपने समय को बर्बाद ना करके अपना पढ़ाई पे फोकस करो अपने करियर पे फोकस करो अपनी उस चीज़ पे फोकस करो जिस चीज़ में आप आगे जाना चाहते हो ना कि उस चीज़ पे जिस चीज़ से आपका कभी आगे कुछ लेना देना ही नहीं है एट दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड येस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई ब्लॉग चैनल एंड तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग 拜拜。Bye bye.